गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी आठवें का 13वां सवाल कह रहा है अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12। आपको बताना है कि क्या एपी में है, पहले आपको चेक करना है एपी में, अगर एपी में है तो उसका सर्वांतर याद करना, उसके बाद उसके तीन पद और ज्ञात कीजिए। और पद बताइए, अंडर रूट 3 है, इसे क्या कहेंगे a1, ये क्या है a2, ये क्या है a3 और ये क्या है a4। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो है हमारी श्रेणी है समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो बताओ कैसे चेक करते थे, b1 बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है अंडर रूट 6 और इसका कितना मान है अंडर रूट 3, यही तो है। अब बताओ अंडर रूट 6 अंडर रूट 3, अब d2 का मान बताओ जरा, d2 का मान कितना है अंडर रूट 9 और अंडर रूट 6। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसे हैं अंडर रूट 9 को आप लिख सकते हैं 3 माइनस अंडर रूट 6। इसके बाद d3 का क्या होता है a4 माइनस a3 का मान है अंडर रूट 12 और a3 का मान है अंडर रूट 9। तो 12 को अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 3 दुनी 6 दुनी 12, 2 दुनी 4 4 3 12, तो 2 बाहर निकल आएगा, तो 2 अंडर रूट 3 माइनस 3। तो आपको पता हो गया है कि d1 d2 d बराबर नहीं है, क्या है d1 बराबर d2 बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिखोगे, इस श्रेणी का सार्वांतर, इस श्रेणी का सार अंतर समान नहीं है या बराबर नहीं है, समान नहीं है, इस श्रेणी का सार्वांतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। एपी मतलब क्या, यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, आप क्या लिख देंगे, एपी में नहीं या समांतर श्रेणी में नहीं है, कोई दिक्कत। देखो इसका जो है, अगर कह रहा था एपी में है तो इसके निकालना है, ज्यादा करो भाई अंडर रूट 6 अंडर रूट 3 का मान निकाल लो, उसके बाद हटा लो। आपको अगर मालूम है तो ऐसे दिखा दो, कह दो बी बराबर इनटू नहीं है। सवाल नंबर 14, आठवीं का सवाल नंबर क्या है 14, कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, ठीक है लिखा है 2 का स्क्वायर, फिर नहीं 1 का स्क्वायर, फिर लिखा है 3 का स्क्वायर, फिर लिखा है 5 का स्क्वायर, फिर लिखा है 7 का स्क्वायर, डेट कह रहा है, बताना है पहले समांतर श्रेणी में है कि नहीं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। आपको मालूम तो हो गया है समांतर श्रेणी में, लेकिन आपको चेक करना है ये क्या बताओ, कौन सा पद पहला है a1 a2 a3 a4। ठीक, आपको निकालना है d1। तो बताओ d1 बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 का मान है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 दिया 9 माइनस 1 कितना जाएगा 8। इसके बाद d2 क्या होता है a3 माइनस a2, a3 का मान है 5 का स्क्वायर माइनस a2 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 9 25 16 आ जाएगा। ठीक, अब बताओ d3 a4 माइनस d, बड़ा सही बना लेना भैया, ठीक a4 माइनस a3 a4 का मान है 7 का स्क्वायर, a3 है 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 5 का स्क्वायर 25। तो बताओ 9 से 5 गया 4, 4 से 2 गया 2 24, क्या लिखा जाएगा d1, चूंकि इसका d1 d2 जो है d1 बराबर d2 बराबर d3 नहीं है। नीचे अगर d2 लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, अतः इस श्रेणी का सार्वांतर, अतः इस श्रेणी का सार्वांतर
समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए इस श्रेणी का समांतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो इसका अगला पार्ट 15वां कह रहा है कि 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर लिखा है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखा सब है। देखो लिखा है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर लिखा है 5 का स्क्वायर, फिर लिखा है 7 का स्क्वायर, फिर लिखा है 73। डेट इज क्या करोगे, इसे आप क्या मानेंगे A1, इसे क्या मानेंगे A2, इसे क्या मानेंगे A3, इसे क्या मानेंगे A4, बताओ। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्या हराएंगे तो D1 बराबर क्या आ जाएगा, A2 माइनस D1, A2 का मान है 5 का स्क्वायर, A1 कितना जाएगा 25 माइनस A कितना जाएगा 24। इसके बाद D2 बराबर होता क्या है, D2 बराबर लिखा जाएगा A3 माइनस A2, A3 का मान है 7 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर, 7 × 7 = 49, अब 5 × 25, 9 × 5 = 4, 4 × 2 = 2। इसके बाद आप निकालेंगे D3 निकालेंगे बताओ क्या होता है, A4 माइनस A3, A4 का मान है 73 और 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 7 × 49, तो 73 माइनस 49 13 × 9 = 4, यहाँ कितना बचा 6 × 4 = 2, तो क्या लिखा जाएगा D1 बराबर D2 बराबर D3 है, या हिंदी में लिखो तो क्या लिखोगे, इस श्रेणी का समांतर कितना है 24 है, समान है श्रेणी में, समांतर समान है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी में, यह श्रेणी है जो है, इसलिए यह श्रेणी जो है AP में है, इसमें है AP में है। ठीक, अब कह रहा था अगर AP में है तो इसके अगले 3 पद और निकालो, तो बताओ 1, 2, 3, 4 पद तक पता है, 5वां पद कैसे निकालोगे, हमने बताया था A5 बराबर क्या लिख सकते हो, A+4D, A का मान बताओ कितना है 1, D का मान आपने निकाला है कितना 24, गलत। अब बताओ A5 अगर निकालना है तो A का मान 1 है, 4D 24 है, 1 × 24 = 96, 4 × 2 = 16, 4 × 2 = 8, तो कितना जाएगा 97, A5 का मान कितना जाएगा 97। अब देखो A6 निकालना है तो क्या जाएगा A+5D, हमने बताया था A+5D, अब A6 निकालना है तो A6, A का मान 1 है, 5 × 24 = 120 होता है, तो कितना जाएगा 121। अगर कितने पर निकालना है 3, तो A5 6 लिख लिया और 7, A7 लिखना है तो क्या लिखोगे A+6D, तो A का मान 1 × 24, 1 × 24 = 12, 145 कितना जाएगा 145। अतः लिख दोगे, क्या लिखोगे इसके बाद है ना भैया, अंदर लिख रहे हैं, अतः इस समांतर श्रेणी का सार्वांतर कितना है 24 है, तथा इसके अगले 3 पद कौन कौन से आए हैं, नंबर 1 पे 97, 121, 145,
नहीं। ठीक, ये जरूरी देना, ऐसा सवाल आता है जरूर। इसके बाद सवाल नंबर 9 जरा देखें, पढ़े पहले तथा औचित्य देखते हुए। सवाल नंबर 9 बहुत बढ़िया सवाल है, कह रहा है औचित्य देते हुए बताइए कि यह कथन सत्य है कि निम्नलिखित किसी एपी के 90 पद है। एपी के कौन से पद है? 90 पद है। तो पहला देखो, 90 का पहला क्या लिखा है? 2L-3। तो अगर किसी का यनवा पद है, वो भी किसका? समांतर श्रेणी का। तो इनका मान पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, उसके बाद जो पद आए अगर वो समांतर श्रेणी में है तो तुम्हारा ये सही कथन सत्य हो जाएगा। तो क्या रखोगे? n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 रखने के, 5 रख देना। ठीक, अब बताओ 2 × कितना? 1। तो 2 × 1 − 3 तो कितना जाएगा? 2 − 3 बराबर कितना जाएगा? माइनस का 1। देखो अगर आप n का मान यहाँ पर 1 रख दें, ठीक, तो a1 बराबर बताओ क्या हो जाएगा? यही तो आएगा, a1 का मान कितना आया? -1। अब क्या रखोगे? बराबर 2, तो क्या जाएगा? a2 बराबर 2 पद, मतलब यही तो होता है। अभी विकास में देखो है 90 पद, 90 पद है, तो a2 बराबर तो क्या जाएगा? 2 × 2 − 3, तो 2 × 4 − 3 तो कितना जाएगा? 1, कोई दिक्कत। फिर देखो a3 कितना जाएगा? 2 × 3 − 1, 2 × 6 − 3 तो कितना जाएगा? 3। अगर 4 रखोगे तो कितना जाएगा? 2 × 4 − 3, 2 × 8 − 3 कितना जाएगा? 5, को दिक्कत। अब कितना रख लें? ए फाइव, तो 2 × 5 − 3 = 10, 3 कैसे 3 जाएगा? कितना जाएगा? 7। कितना आया? −1 + 1 = 3, 5, 7। तो कितने का अंतर आ रहा है? पहले श्रेणी देखने, कौन सी बनी? श्रेणी बनी आपकी माइनस का एक सही है, फिर 2 × 4 + 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7। आगे रख लोगे एडजस्ट करते हैं। बताओ पहले इसका क्या निकाल लें? सर्वांतर। क्या निकाल लें? सर्वांतर। अगर सर्वांतर इसका समान आता है तो श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी होगी। बताओ a1 कितना है? -1, a2, a3, a4, a5। तो अगर आप d1 निकालना चाहें तो a2 − a1, a2 का मान 1 है और a1 का मान 1 है, तो 1 + 1 कितना जाएगा? 2, को दिक्कत। अब बताओ अगर d2 निकालेंगे तो a3 − a2, a3 का मान 3 है तो कितना जाएगा? 2। इसके बाद अगर आप b3 निकालेंगे तो a4 − a3, a4 का मान कितना है? 5, और a3 का मान 2। इसके बाद आप b4 निकालेंगे तो a5 − a4, तो 5 + 7 − 5 कितना जाएगा? 2। क्या लिखा जाएगा? d1 = d2 = d3 = d4। इस श्रेणी का सर्वांतर समान है, इस श्रेणी का सर्वांतर समान है, इसलिए यह श्रेणी किसमें होगी? इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? समांतर श्रेणी है। लेकिन आपको पूछ कर रहा है, कह रहा है कि यह कथन सत्य है कि निम्नलिखित किसी एपी के 90 पद है। क्या लिखोगे? अतः यह कथन सत्य है, ये एपी के 90 पद। क्या लिखा दिखाओ सुनी तो? एपी के 90 पद है। क्या कारण पूछ रहा था? कारण क्या हो जाएगा? क्योंकि इस श्रेणी का सर्वांतर समान है। इस श्रेणी का सर्वांतर कॉमन डिफरेंस समान है या बराबर है। ठीक, कल कभी बराबर है या समान है।
क्या करोगे? अगर आपको सवाल पूछता है इतना तो आप ऐसे लगा देते, अगर आप क्वेश्चन के हिसाब से लगाएंगे तो और लिखा जाएगा का कथन सत्य है कि एपी के एलिवेशन है क्योंकि श्रेणी का सर्वांतर समान है। इसी प्रकार इसमें कितने पार्ट हैं? तीनों पार्ट बता दिए जाए, तीनों पार्ट बताए जाए। देखो इसका हम थर्ड पार्ट बता रहे हैं, नवे का थर्ड पार्ट बता देंगे, नवे का तीसरा पार्ट सेकेंड पार्ट लगाना ना लगे तो देना। कह रहा है कि 1 + n + n² ये किसके पद है? an बराबर लिखा है, इनमें पर लिखा है तो 1 + n + n² क्या लिखोगे? n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर, ठीक ज्यादा रख भी सकते हो, तो a1 बराबर होता हो क्या आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 1 + 1 + 1 3। फिर बताओ a2 बराबर 1 + 2 + 2 का स्क्वायर, तो 1 + 2 + 4 चार दो छह कितना जाएगा 7। तो दिक्कत अब देखो इधर, अगर a3 निकालोगे तो क्या आएगा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर, तो 1 + 3 + 9, 9 × 12 = 13 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अगर आप a4 निकालेंगे तो 1 + 4 + 4 का स्क्वायर, 5 × 4 = 16, 5 = 20। तो बताओ श्रेणी आपकी क्या बनेगी? देखो श्रेणी बन जाएगी आपकी 3, 7, 13, 21। मालूम तो आपको पहले से है कि समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। क्या देखो श्रेणी क्या आई? अच्छा श्रेणी आपकी आई 3, 7, 13, 21। क्या लिखोगे? सबसे पहले इसका क्या निकालोगे? d1 a2 - a1 7 - 3 कितना जाएगा 4। इसके बाद आप क्या निकालेंगे? d2 a3 - a2 a3 का मान 13 - 7 तो कितना जाएगा 6। इसी प्रकार d3 निकालेंगे तो a4 - a3 21 - 13 कितना जाएगा 11 × 3 = 13 = 21। तो सभी का क्या लिखोगे? d1 = d2 = d3 नहीं है। क्या लिखोगे? इस श्रेणी का सार अंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी एपी में नहीं है। आप क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे तो क्या लिखोगे? अतः यह कथन असत्य है। काहे? क्योंकि इसका सार्वांतर समान नहीं है, इसलिए ये एपी के एनवे पद नहीं है, तो देखकर आप जरा देखिए एक बार फिर सवाल का कहीं गलत गलत हुआ हो देख लो क्या करोगे। सबसे पहले एक बराबर रख देना, अगर इसका सार्वांतर समान आ जाता तो श्रेणी क्या हो जाती? समांतर हो जाती, तो हमारा कथन सत्य हो जाता क्योंकि एनवे पद है। इसके बाद देखो, इसके बाद समांतर श्रेणी का व्यापक अथवा अनुमापक, आपको हमने पहले ही बता दिया था an = a+n - 1 × d। ए क्या होता है? जहां a बराबर होता है प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। d क्या होता है सार्वांतर, ठीक। और n क्या होता है? पदों की संख्या। n क्या होती है? पदों की संख्या। देखो आपके पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 88, वाली जो बुक है पेज नंबर 88 पे लिखा है समांतर श्रेणी का व्यापक अथवा अनुमापक, प्रथम पद ए लिखा है, ठीक। सार्वांतर डी है वाली समांतर श्रेणी का अनुमापक, अनुमापक का सूत्र ही तो बताया गया था, अनुमापक
का सूत्र होता था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, धर्मापद को ए लिख सकते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि एन को एपी का व्यापक पद यानी कि जनरल टर्म भी कहते हैं, एपी को क्या कहते हैं, एपी की एन को एपी का व्यापक पद का जनरल टर्म भी कहते हैं। आप निकालना जब एक्सरसाइज शुरू करें उसके पहले लिख लें। ठीक, उसके बाद लिखा है इस ग्राम में देखो, लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी में एम पद है तो एम इसके अंतिम पद को निरूपित करता है, इसे कभी कभी एल द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। एल बराबर क्या, आप ए भी लिख सकते हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एल क्या होता है, अंतिम पद। मान लीजिए कोई श्रेणी आपको दी है एक तीन पांच सात नौ, ठीक, डैश डैश मतलब यहाँ दे दिया है एक तीन पांच सात नौ, तो इसका अंतिम पद कितना है, यहाँ तक मान लीजिए तो आपको गिनती मालूम है, ऐसे मालूम हो यहाँ मान लीजिए सत्ताईस दिया है, ठीक, तो इसका अंतिम पद आपका हो जाएगा एल। आपको पदों की संख्या ना पता हो तब प्रथम पद ये हो जाएगा, समांतर आप निकाल लेंगे तब ये सूत्र लगेगा। ठीक, देखो किताब में जो लिखा है ऐसे लिखा है एल बराबर ए एम और ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, जहां एम क्या है पदों की संख्या हो गई। ठीक, एल बराबर क्या लिखा है, ए एम बराबर ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे आप ऐसे लिखें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जो विध्वंस लिखा है थोड़ा एनएम ले लेना। तो उसके बाद देखो समांतर श्रेणी का अंत से अनुमापक, समांतर श्रेणी का अंत से अनुमापक, अंत से अनुमापक, देखो अंत से अनुमापक मान लीजिए कोई एक तीन पांच सात नौ ग्यारह और तेरह सत्रह दे दे, ठीक, डेट करके सत्रह दे दे, तो आपको इसमें क्या है अंत से अनुमापक, ये तो अंत से नहीं, ये प्रारंभ से अनुमापक का सूत्र होता है, ये प्रारंभ से अनुमापक का सूत्र होता है। प्रारंभ से अंत से अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एल माइनस जो होता है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, मतलब क्या एल माइनस एन माइनस इंटू डी, समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का अंत से अनुमापद का सूत्र क्या होता है, बहुत बढ़िया है, क्या लिखोगे हिंदी में लिखना जो लिखा है, समांतर श्रेणी का अंत से यनवा पद का सूत्र क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, एल माइनस एन माइनस इंटू डी। कोई दिक्कत, देखो इसने लिखा है अगर आपको सूत्र बाई चांस भूल जाए तो आप क्या करें, इसको अंतिम वाले को प्रथम पद मान लें तब भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और आपका जहां सवाल आगे आएगा बता देंगे। देखो ये तो हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रारंभ से अनुमापद का, प्रारंभ से अनुमापद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अगर आपको एम पद दिए हैं कभी कभी अंतिम पद दे देगा और वो समांतर श्रेणी का अंश अनुमापक, पेज नंबर 88 पे लिखा है समांतर श्रेणी का व्यापक पद, जब एक्सरसाइज शुरू करें तो उसके पहले भी जरूरी जो लिखा है। ठीक, अब देखो इसका सवाल नंबर एक्सरसाइज 5.3 कह रहा है कि स्तंभ ए में दी हुई प्रत्येक एपी को स्तंभ बी में दिए गए उपयुक्त सार्वांतर में सम्मिलित कीजिए। देखो ये आपको दिया है, इसमें किताब में ना करना सम्मिलित करना, ठीक, आपको लगाना सवाल कैसे, देखो पहला के दिया है ए वन जो दिया है, क्या दी श्रेणी है दो कामा माइनस दो और कामा माइनस छ और माइनस का दस, ऐसे सवाल वहां पूछे जाएंगे आपको। ठीक, डेट इज कह रहा है आपको इसमें चेक नहीं करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, क्योंकि इसने क्या कह दिया है कि एपी को, एपी मतलब क्या समांतर श्रेणी, तो बताओ अच्छा ए बताओ प्रथम पद कितना है दो, डी बताओ, डी आपको निकाला जाएगा कैसे, डी अगर निकालना है तो ए टू माइनस ए वन तो माइनस दो और माइनस दो कितना जाएगा माइनस का चार, डी बराबर कितना आ गया माइनस का चार। अब बताओ इसमें स्तंभ बी में सर्वांतर सर बी में जो है माइनस चार कहीं पर है तो बी फोर में, ए वन को आप किससे मिला देंगे बी फोर से, लेकिन आपको मिलाना नहीं है केवल आपको सर्वांतर, इसका सर्वांतर कितना आएगा माइनस चार। अब देखो ए टू, इसका जो दूसरा सवाल है कह रहा है कि ए बराबर माइनस अठारह, ए बराबर माइनस अठारह और एन बराबर दस, एन बराबर दस और ए एन बराबर दिया है आपका जीरो, ए एन बराबर जीरो, तो बताओ अच्छा इस श्रेणी का सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे,
आपको अगर फार्मूला पता है तो आप याद कर पाएंगे। बताओ समांतर श्रेणी का यरमा पद का फार्मूला क्या था? प्रारंभ से यरमा पद का फार्मूला आपने पढ़ा था, यरमा पद क्या फार्मूला पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फार्मूला क्या निकल के आया था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बताओ ए एन एन के स्थान पर कितना है, ए एन मतलब एन के स्थान पर आपका कितना है 10, तो ए टेन आ जाएगा। ए का मान कितना आपने दिया है माइनस का 18, और एन का मान कितना दिया है 10 माइनस वन। डी का मान बताओ कितना है, डी का मान आपका है 0, डी का मान पता नहीं। तो ए टेन माइनस 18 यहाँ कितना जाएगा 9 डी। अब बताओ इसने ए एन मतलब क्या, ए एन मतलब क्या, ए टेन, ए टेन का मान क्या दिया, ए एन का मतलब क्या है ए टेन, ए टेन का मान उसने दे दिया है 0, कितना दे दिया है 0। तो माइनस का 18 प्लस 9 डी, माइनस का 18 यहाँ क्या जाएगा प्लस का 18 9 डी, 9 दुनी 18, तो डी बराबर बताओ कितना आ गया 2, डी बराबर 2। देखो इसमें कहीं पर 2 आया है, आया है B5 में, डी कितना आया है B5 में, आप इसे मिला देंगे। आप यहाँ ढंग से देखें, ये ए एन मतलब क्या, एन संख्या है 10, तो आप 10 रखेंगे तो ए टेन का मान कितना आ जाएगा 0, ए टेन का मान हमने 0 रख दिया, तो डी का मान आपको पता हो गया। प्रारंभ से यरमा पद का फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ए प्लस एन माइनस वन टू डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन टू डी। इसके तीसरा पार्ट देखो लिखा है ए बराबर 0, ए टेन बराबर 6। देखो आपको इसका तीसरा पार्ट दिया है ए बराबर 0, ए बराबर 0, प्रथम पर आपको 0 दे दिया है और ए टेन बराबर आपको क्या दे दिया है 6। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप यहां से क्या लगाएंगे फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे इसमें हमें तो ए मालूम है, कुछ मालूम ही नहीं, तो ए टेन भी तो मालूम है, ए टेन का मतलब क्या, एन बराबर कितना दिया है 10, एन बराबर कितना दिया है 10। वहां आप दिमाग कैसे लगाए थे, यहाँ पर एन बराबर 0 का लिखा था, ए टेन बराबर 0 क्योंकि एन का मान कितना दिया था 10, तो यहाँ एन का मान कितना हो जाएगा 10, क्योंकि एन बराबर होता है ए टेन को, यहाँ जो नहीं क्यूरिटी होती है, तो एन का मान कितना दिया 10, तो ए टेन हो जाएगा, ए टेन, ए टेन हो जाएगा। ए का मान 0 दिया है, एन का मान 10 दिया है, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ ए टेन का मान कितना दिया है 6, 0 यहाँ क्या जाएगा 9 डी, तो यहाँ क्या जाएगा 6 बराबर 9 डी, तो 6 बराबर 6 बटे 9 डी, 3 दुनी 6, 3 तिया 9, डी बराबर 2 बटे 3। देखो कोई स्तंभ में दिया है डी बराबर 2 बटे 3, डी वन में दिया है, आपको क्या लगा दोगे डी वन में 2 बटे 3। अगर आप मिलाना चाहें तो सी टू को आप मिलाएंगे बी वन से। आप यहाँ से देखें, सबसे पहले देखें हमें क्या क्या दिया था, ए दिया था और ए टेन दिया था, हमें जो सूत्र मालूम है क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमें ए एन का मतलब क्या होता है ए एन, ए तो दिया एन के स्थान पर कितना लिखा था 10, एन का मान कितना हुआ 10, आप यहाँ रख दिए तो यहाँ से आपको डी का मान पता हो गया। इसके बाद देखो ए फोर वाला, देखो ए फोर बराबर दिया है ए टू बराबर 13, ए टू बराबर 13 दिया है और ए फोर बराबर दिया है कितना, ए फोर बराबर कितना दिया 3, देखो ए टू बराबर दिया था 13, ए टू बराबर 13 और ए फोर बराबर 3। तो कह रहा है आप बताएं जरा, ए टू बराबर 13 दिया है, ए फोर बराबर 3 दिया है, आपको कुछ मन में नहीं, तो क्या करें हम, ए टू बराबर अच्छा बताओ क्या लिख सकते हैं, ए टू बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं, नहीं, ए टू बराबर आप लिख सकते हैं ए प्लस डी। तो ए टू बराबर दिया कितना है 13, ए प्लस डी बराबर कितना आ जाएगा 13, ए प्लस डी बराबर 13, अगर दिमाग है तभी लगा पाओगे, ठीक। अब बताओ ए फोर आपको कितना दिया है 3, ए फोर आपको कितना दिया है 3, तो ए फोर अगर आपको 3 दिया है
तो ए फोर को आप बताओ क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस थ्री डी। तो ए फोर का मान कितना, तीन, ए प्लस थ्री डी। अब बताओ समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाए जोड़े, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर क्या लिखोगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाने पर क्या लिखोगे, घटाने पर। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड को घटाओगे तो a प्लस बी बराबर क्या लिखा है, तेरह, और a प्लस थ्री डी बराबर क्या लिखा है, तीन, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। अब बताओ ऐसे ये चला जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, थ्री डी से डी जाएगा माइनस का टू डी, और तेरह से तीन जाएगा दस। तो बताओ डी बराबर दस बटे दो, दो पंचे दस, डी बराबर माइनस का पांच। इसमें देखो कहीं पर माइनस का पांच आया है, तो बी टू में माइनस का पांच आया है। यहाँ बहुत दिमाग अगर तुम्हारे पास है तभी लगा पाओगे। देखो शुरुआत है, आपको मालूम हमने बताया था ए टू को आप ए प्लस बी भी ले सकते हैं, और ए फोर को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस थ्री डी। अगर यहाँ कभी ए फाइव आ जाए तो क्या लिखोगे, ए प्लस फोर डी। ये दिमाग है, दो दो समीकरण बन गए, इनको हल कर दिया, आपको डी का मान पता हो गया, कोई दिक्कत। देखो इसके बाद दूसरा सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त पदों को भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A है, सार्वांतर D है, अनवा पद AN है। तो बताओ पहला जो सवाल है, पहला में पहली सारणी में क्या दिया है, A बराबर आपको दिया है सात, A बराबर सात। इसके बाद D बराबर आपको दिया है तीन, D बराबर तीन। N बराबर आपको दिया है आठ। तो कह रहा है कि एन जरा ज्ञात कीजिए, एन ज्ञात कीजिए, एन का मतलब एक ज्ञात करना है। तो एन का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन के स्थान पर आप क्या रखेंगे आठ। तो एट बराबर ए का मान कितना सात, एन का मान आठ माइनस वन, डी का मान कितना थ्री। तो सात आठ से जाएगा सात यहाँ इक्कीस, इक्कीस सात अट्ठाईस। तो बताओ जरा ए एट का मान कितना आ गया अट्ठाईस, कितना आया अट्ठाईस। इसी का सेकेंड पार्ट, ए बराबर बताओ कितना दिया है माइनस का अठारह, डी बराबर क्वेश्चन मार्क, डी बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर आपको दिया है दस।